हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको घुमाऊंगा सेंटोसा आइलैंड, जो कि सिंगापुर का एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए मैं सुबह निकला और मैंने डायरेक्ट मेट्रो पकड़ी। तो सेंटोसा आइलैंड है आपका हार्बर फ्रंट मेट्रो स्टेशन पे। ये वही मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे वीवो सिटी मॉल है। तो आप देखिए, इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन है कि मेट्रो स्टेशन के अंदर भी उन्होंने कन्वेयर बेल्ट्स लगा रखी हैं। मैंने तो किसी मेट्रो स्टेशन में नहीं देखी, बट यहाँ पे देख ली। और काफ़ी शानदार मेट्रो स्टेशन है, बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं राइट साइड में आपके सारे जितने भी एड्स हैं, डिजिटल एड्स, वो सब वहीं पे राइट साइड में आपको दिख सकते हैं, चल रहे हैं। तो गाइज, ये देखिए हार्बर फ्रंट मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से मुझे अब जाना है सेंटोसा आइलैंड की तरफ, सेंटोसा बोट वॉक। आप ऊपर देख सकते हैं डायरेक्शंस दिए हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है इस मेट्रो स्टेशन पे। तो प्रॉपर साइनेज है, आप उनको फॉलो करेंगे और आप सेंटोसा के बोट वॉक पे पहुंच जाएंगे। तो या तो आप सेंटोसा के बोट वॉक से आप जा सकते हैं, या फिर इसी जो वीवो सिटी मॉल है इसके आप टॉप फ्लोर पे जाएंगे, थर्ड फ्लोर पे, तो वहाँ से आप मोनोरेल भी दे सकते हैं। बट मोनोरेल का चार्ज है करीबन $4, वो आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज आप बोट वॉक से जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा रहता है। राइट साइड में आपके सी रहता है, तो आप वहाँ पे बिल्कुल बोर नहीं होंगे। चलिए मैं आपको बोट वॉक घुमाता हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरह का है सेंटोसा बोट वॉक। पानी काफ़ी साफ है, बहुत नीला है इस समय, मौसम भी साफ था और बारिश हो चुकी थी। तो देखिए, धूप नहीं है तो काफ़ी अच्छा नज़ारा रहा, और बहुत ज़्यादा गर्मी उस समय मुझे नहीं लगी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँच गया तब वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। और आप ये देख सकते हैं, ये ट्रॉली का है। अगर आपको ट्रॉली से जाना है तो आप उससे भी जा सकते हैं, वो भी आपको वीवो सिटी मॉल से ही मिलेगा। और कुछ इस तरह का ये बोट वॉक है। मेरे ख्याल से इसको बोट वॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोट का बना हुआ है, यही मैं गैस कर सकता हूँ। तो पहले यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट्स थी, अभी भी हैं, बट ये ऑपरेशनल नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। बट ओवरऑल ये बोट वॉक काफ़ी अच्छा है, और आपको प्रॉपर साइनेज यहाँ पे भी मिलेंगे कितना और दूर सेंटोसा आइलैंड रह गया है। तो डिपेंड करता है, अगर आपके साथ एल्डरली पीपल हैं तो आप डेफिनेटली मोनोरेल ले सकते हैं इसके लिए। तो आप ये देखिए, अब खाली सेंटोसा आइलैंड 120 मीटर्स रह गया है। मैं चलता गया और फाइनली ये देखिए बोट वॉक का एंड हो गया है। और जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा सेंटोसा का साइनेज दिखेगा, वो देखिए आप टॉप में, आप देख सकते हैं सेंटोसा का। तो ये सिंगापुर का एक वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन है, और ये काफ़ी सालों से है, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है इसको। और ये देखिए, ये इन्होंने कुछ केव्स बना रखी हैं, तो यहाँ पे आप अपने कुछ कुछ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। ये सारी मैन मेड केव्स हैं, ये ऑब्वियसली दीज आर नॉट नेचुरल केव्स। तो यहाँ पे अपने थोड़ा बहुत आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको एक बैकग्राउंड मिल जाता है इधर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सेंटोसा आइलैंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो, सी एक्वेरियम, वाटर पार्क, ये सब सेंटोसा आइलैंड में। साथ ही साथ जो यहाँ के बीचेस हैं, पलावन बीच और सिलोसो बीच, वो सब सेंटोसा आइलैंड में। यहाँ पे एक स्काई डाइविंग का भी है, मतलब इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट में स्काई डाइविंग का आपको एक एक्सपीरियंस दिया जाएगा। एग्जैक्टली वो स्काई डाइविंग नहीं होती है। तो सेंटोसा आइलैंड में काफ़ी सारी चीज़ें आप एक दिन में उसे कवर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिस्ट दे दूंगा क्या क्या अट्रैक्शंस हैं सेंटोसा आइलैंड के। देखिए, सामने यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का ग्लोब देख सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की जो टिकट है वो 82 सिंगापुर डॉलर्स की है, जो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में आपको पूरा एक दिन चाहिए। ये खुलता है 11 बजे और बंद होता है 6 बजे, तो उसी हिसाब से आप प्लान करें। हो सके तो वीकडेज में आएँ, भीड़ कम मिलेगी, आप सारी राइड्स इन्जॉय कर सकते हैं, सारे अट्रैक्शन देख सकते हैं, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो गाइज, ये कियोस्क है, यहाँ से आप अपनी टिकट सेलेक्ट कर सकते हैं, सी एक्वेरियम, यूनिवर्सल स्टूडियोज़, एडवेंचर को पार्क। तो अगर मैं सी एक्वेरियम देखता हूँ, मैन इफ आई सेलेक्ट दिस वन, इट कॉस्ट अराउंड $41। एंड लेट्स से अगर हम यूनिवर्सल स्टूडियोज देखते हैं, वन डे टिकट, इट विल कॉस्ट यू अराउंड $82 फॉर एडल्ट्स। एंड सिमिलरली इफ वी गो फॉर एडवेंचर पार्क, वन डे टिकट एडल्ट्स के लिए 39 और चाइल्ड के लिए 31। तो ये हैं टिकट के प्राइजेस यहाँ पे। तो देखिए, मैं थोड़ा आगे चल के आ गया हूँ।
तो ये दूसरा एरिया है और यहाँ पे कुछ कुछ आपको कार्टून कैरेक्टर दिख रहे होंगे, कुछ रैबिट्स इन्होंने बना रखे हैं, काफ़ी बड़े बड़े रैबिट्स हैं, लोग उनके साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंटोस आइलैंड काफ़ी पुराना है और शुरू से ही सिंगापुर का एक वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अब इसमें थोड़ा सा ये एजेड लगने लगा है। जी हाँ, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ अब बहुत एडवांस हो रही हैं, नए नए पार्क्स खुल रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में डेफिनेटली, क्योंकि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्क है, तो थोड़ा पुरानापन इसमें दिखने लगा है। लेकिन अभी भी ये उतना ही एडवेंचरस है और उतने ही लोग इसको देखने आते हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, अगर आप मोनोरेल सेंटोसा आइलैंड के अंदर से लेंगे तो कोई पैसे नहीं देने, लेकिन आप वीवो सिटी मॉल से लेंगे तो $4 आपको देने पड़ेंगे। अगर आप लौटते हैं सेंटोसा आइलैंड से वीवो सिटी मॉल तो भी आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के स्टेशन पर हूँ और यहाँ से मैं बीच आइलैंड का जो स्टेशन है वहाँ पर जाऊँगा। तो गाइज, हम बीच स्टेशन पे आ गए हैं और सामने आप देख सकते हैं आई फ्लाई। तो ये एक तरह का स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस है जो आप इंडोर में ले सकते हैं, जहाँ पे एक टनल होती है, जहाँ पे हवा चलती है बहुत तेज़ नीचे से, और आप उसके ऊपर स्काई डाइविंग जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम किया था, मेरे पास उसकी वीडियो नहीं है, बट ये भी एक तरह से वर्थ इट है, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। राइट साइड अगर आप जाएंगे तो आपको सिलोसो बीच मिलेगा और लेफ्ट में आपको मिलेगा पलावन बीच। दोनों ही बीच अच्छे हैं, बट ये दोनों मैन मेड बीच हैं, तो आप बहुत ज़्यादा वेव्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नहाने के लिए सही है, शेक्स हैं वहाँ पे, आप ड्रिंक्स और खाना पीना इन्जॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, वेरी इन्जॉयबल। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरह के बीचेज़ हैं। तो गाइज, ये आ गया सिलोसो बीच और ये भी बहुत फेमस बीच है, लेकिन मैनमेड है बट अच्छा है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलता हूँ मैं इस बीच में। देख सकते हैं इस तरफ सब शेक्स है और लोग ड्रिंक्स वगैरह अपनी इंजॉय कर रहे हैं, अपना फ्री टाइम इंजॉय कर रहे हैं। तो वैसे भी आज वीकेंड है, फॉरेनर्स आए हुए हैं तो वो ये यहाँ पे सारा अपना टाइम इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, ये देखिए एक मज़े की चीज़, सनस्क्रीन डिस्पेंसर। तो अगर आप घर से सनस्क्रीन ही लाए हैं तो यहाँ से आप सनस्क्रीन थोड़ा सा ले सकते हैं, कुछ पेमेंट करके ऑब्वियसली। यहाँ पे देखिए बीच वॉलीबॉल चल रहा है, बढ़िया, एकदम शानदार लग रहा है। देखिए, टूरिस्ट की हर ज़रूरत का ध्यान रखा गया है और ये बस चलती है, फ्री इलेक्ट्रिक बस है, तो आप एक बीच से दूसरे बीच अगर आपको जाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी इसकी बहुत बढ़िया है, तो जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसको यूज़ किया था, आपको शायद आगे की वीडियो में दिखेगा, तो डू यूज़ इट। तो गाइस, जो बीच स्टेशन है उसके राइट साइड में सिलोसो बीच था और लेफ्ट साइड में पलावन ग्रीन और पलावन बीच है। तो ये पलावन ग्रीन है आपके सामने और बेसिकली ये एक लैंडस्केप है, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे लॉन हैं, आप यहाँ पे बैठ के पिकनिक कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आप सी का व्यू भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे वॉकवेज यहाँ बना रखे हैं, तो ये भी वर्थ इट है। बट अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप डायरेक्टली यू कैन गो टू पलावन बीच, आपको मैं आगे पलावन बीच भी दिखाता हूँ। तो गाइस, अब मैं आ गया हूँ पलावन बीच, काफी वॉक करके आना पड़ा है, ये पलावन बीच है और उधर से मैं वॉक करके आ रहा हूँ पूरा सिलोसो बीच की तरफ से। तो ये देखिए, हम पलावन बीच पे आ गए हैं और ये भी अच्छा बीच है, काफ़ी सैंड एरिया है और वेव्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बच्चों के लिए काफ़ी सेफ है और यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ भी हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ थोड़ा सा राइट साइड में,
तो इधर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिखेंगी जो शायद बच्चों के लिए है। देखिए, तो ये मैंने देखा था, इसकी आपको टिकट लेनी पड़ेगी और आप ये एक्टिविटी इंजॉय कर सकते हैं फॉर श्योर। ओ भाई, ये झूला तो बहुत हिल रहा है पुल, मैं तो गिरने ही वाला था, जस्ट बच गया। तो यहाँ पे ये मंकी एक अट्रैक्शन है, लकड़ी का बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो ये आपको पलाबन बीच पे मिलेगा, थोड़ा आगे जाके एक और इसी तरह का आपको मंकी दिखेगा। एक तरह का अट्रैक्शन बना दिया इन लोगों ने। जब आप हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करके आएंगे तो आप एक छोटे से आइलैंड पे आ जाएंगे और वहाँ पे एक ये व्यू पॉइंट है 2-3 stories अबव। यहाँ से बहुत अच्छा आपको व्यू दिखेगा सी का और पलावन बीच का। हवा भी काफ़ी बढ़िया चलती है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं आने के लिए, ये भी अच्छा है। देखिए, अब इतना घूमने के बाद जब आप पलावन बीच आते हैं और थोड़ा और आगे चलते हैं तो थोड़ा रेस्ट करने का मन करता है। उसके लिए स्विंग्स लगी हुई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाली मिले तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं और फिर अपना आगे का प्लान बना सकते हैं कि भाई सेंटोसा में और कहाँ जाना है। दिस इज़ अ गुड प्लेस। देखिए, जब आप इस बीच पर और आगे चलेंगे और विजिटर्स और टूरिस्ट बोर ना हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इन लोगों ने अट्रैक्शंस डाल रखे हैं। जैसे कि एक और ये आप देखिए, ये वुड स्टैचू है मंकी का और ये काफ़ी ह्यूज है, तो कोई भी दूर से देखता है कि लगता है कि भाई क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कराइए, अच्छा एक तरह से पॉइंट है। और बाकी ये देखिए, आपको बीच दिख रहा होगा, दूसरी तरफ वॉलीबॉल चल रही है, काफ़ी सारे नेट्स लगे हुए हैं तो उधर वॉलीबॉल चल रही है, तो एक अच्छी जगह है टाइम स्पेंड करने के लिए। इतना पैदल चलने के बाद मैं काफ़ी थक गया था, तो ये मुझे बीच शटल मिल गई है, कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इससे मैं बीच स्टेशन जाऊंगा, वहाँ से मैं मोनोरेल लूँगा, स्काई रेल, और उससे सेंटोसा के अंदर ही कहीं उतरूँगा। तो उससे थोड़ा सा मुझे और घूमना है, उसके बाद मैं एग्ज़िट करूँगा सेंटोसा आइलैंड से। सो गाइज, मैं मोनोरेल से यूनिवर्सल स्टूडियो के स्टेशन पे आ गया था और ये वही एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, स्टारबक्स और भी सारे ईटिंग जॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आप आराम से खा सकते हैं, सोवेनियर्स खरीद सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। हार्ड रॉक कैफ़े वगैरह भी इसी एरिया में है, जिधर भी आप घूम सकते हैं करीबन 15-20 मिनट या जैसा आपका मन करे। ये भी एक अच्छा एरिया है। तो लौटते समय सी एक्वेरियम भी दिख गया, इस समय क्लोज है, ऑब्वियसली शाम हो गई है, लेकिन आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब सेंटोसा आइलैंड के लिए आपको करीबन 2-3 दिन चाहिए। पहला दिन तो आप ये पूरे बीचेस घूमेंगे और एक दिन आपका पूरा यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में लगेगा, फिर एक दिन आपका ये जो सी वर्ल्ड है या वाटर पार्क है उसमें भी लग सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटीज़, आपको क्या पसंद है उस हिसाब से आप अपना ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ सेंटोसा आइलैंड से। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, पूरा दिन मेरा निकल गया इसमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसा लगा कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो यूज़फुल है, तो चैनल के सपोर्ट के लिए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को आप शेयर भी करिए, ताकि जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सिंगापुर घूमना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइज। अभी मेरे और वीडियोज़ आएंगे सिंगापुर के, तो देखते रहिए। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।